नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल लेवल पर मुख्य परीक्षा के लिए एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं, जिसमें हम सेमीकंडक्टर और डायोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मोटा मोटी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में समझा देंगे। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी थ्योरी को हम कवरअप करने का प्रयास करेंगे। सो कंप्लीट लास्ट तक आप ज़रूर देखना। कोशिश रहेगी ट्रांजिस्टर पर आपको एक अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड और करवा दूं, बट इसके लिए आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। लाइक्स की संख्या बढ़े, बच्चे इसे देखेंगे, इसके लिए आपको शेयर करना होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें रखेंगे, एक तरह से आप फास्ट रिवीजन समझ सकते हैं इसे। बस यूँ समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है वो चीज़ हम ले रहे हैं, बिल्कुल डीपली इसमें कोई चीज़ें नहीं जा रहे हैं। कंप्लीट लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह के अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अर्धचालक के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको मोटा मोटी बता दूं क्या होता है। एक अर्धचालक हमेशा NTC होता है। NTC बोलें तो इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है। ये छोटा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और कई बार क्वेश्चन आया है। कई बार आप ये पूछा जाता है कि ताप बढ़ने पर एक अर्धचालक की चालकता का क्या होता है। तो याद रखना, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। फिर NTC का मतलब क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट का मतलब है कि ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। यानी आपको यहाँ दो बातें याद रखनी है इसके बारे में, कि एक अर्धचालक में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है जिससे ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और उसकी चालकता बढ़ती है। परम शून्य ताप, जिसे 0 डिग्री केल्विन कहा जाता है, उस पर एक डायोड कुचालक की भांति कार्य करता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसे जरूर याद रखिएगा। मोस्टली सेमीकंडक्टर के रूप में हम दो ही काम में लेते हैं दोस्तों, उसमें से नंबर वन है सिलिकॉन और नंबर टू है जर्मेनियम। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32। कहते हैं कि कम परमाणु क्रमांक होने से वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए कहते हैं कि सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो सिलिकॉन से तुलना करने पर सिलिकॉन का हाई होता है जर्मेनियम की अपेक्षा। एक सेमीकंडक्टर में कम परमाणु क्रमांक उसे अधिक स्टेबल बनाता है, इसलिए बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो उसका उच्च रहता है जर्मेनियम से तुलना करने पर। हाँ, दोनों में अगर आपसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों में ही चार चार होते हैं। आजकल एक स्टेप और आगे जाने लग गए और पेपर में इनका विन्यास पूछने लग गए। विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2, 8 और 4, जबकि जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2, 8, 18 और 4। यानी इन 14 को आप कैसे कैसे कक्षाओं में बांटेंगे, इस 32 को आप कैसे कैसे कक्षाओं में बांटेंगे, ये थोड़ा सा याद रखना। सिलिकॉन जर्मेनियम से तुलना करने पर उच्च तापमान भी सहन करते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम से तुलना करने पर उच्च धारा का भी वहन करते हैं। बैरियर पोटेंशियल भी हाई होता है, विभवांतर हाई है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी हाई होता है। इन सब के पीछे कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है कि कम परमाणु क्रमांक इसे अधिक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। याद रह जाएगा सभी को। आइए एक बार आपको मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैरियर पोटेंशियल याद करवा देता हूँ, ये जरूरी है। सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, वहीं जर्मेनियम के लिए 0.1 से 0.3 वोल्ट है। लेकिन माय डियर याद रखना, आजकल ऐसे रेंज में ऑप्शन देता नहीं है वो, तो जनरली एक ही ऑप्शन देता है, तो 0.3 वोल्ट ऑप्शन के साथ ही आपको यहाँ जाना होगा।
इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज या फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है। इसके बाद में आता है बैरियर पोटेंशियल के साथ में फॉरबिडन एनर्जी गैप एक ऑप्शन आता है, जिसे आप ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा गैप बोल सकते हो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वाले का 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जर्मेनियम वाले का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ये ऊर्जा की इकाई है, ये वोल्टेज की इकाई है। इससे भी थोड़ा आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके रखें। अब देखो, एक पेपर था जिसमें लगभग मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा था उसमें। आजकल क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। क्वेश्चन पूछा कि सिलिकॉन के बैरियर पोटेंशियल और जर्मेनियम के बैरियर पोटेंशियल का अनुपात लगभग कितना होता है। अब भाई इसको जब सॉल्व करोगे तो उत्तर लगभग 2 के करीब तो आ ही रहा है ना, तो उस ऑप्शन में यही दिया हुआ था 0, 1, 2, 3। तो क्या करेंगे फिर, लगभग 2 के करीब है, इसी ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। अब आ जाइए दोस्तों, बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह का होता है, एक को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक और दूसरे को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होते हैं शुद्ध पदार्थ, जैसे अभी हम देख करके आए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, और एक्सट्रिंसिक होते हैं जिनमें अशुद्धियाँ मिली हो, जैसे पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, इनको जरूर आप याद रख लेना, ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तुलनात्मक रूप से इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक की चालकता अधिक होती है, और इस इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसे डोपिंग प्रक्रिया कहा जाता है। हिंदी में इसे मादन या अपमिश्रण कहा जाता है। पेपर में सवाल आता है, एक अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने से क्या होता है। अशुद्धियां मिलाने से उसकी चालकता बढ़ जाती है। अशुद्धियां मिलाने की इस प्रक्रिया का नाम डोपिंग है, मादन या अपमिश्रण बोलते हैं। अशुद्धियों के मतलब मिलाते क्या है, पेपर में ये चीज भी तो आपसे पूछी जाएगी ना, कि अशुद्धियों की जब बात आती है तो आप अशुद्धियों के रूप में मिलाते क्या क्या हो। तो आइए इस पर हम एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक पी टाइप का मटेरियल बनता है, एक एन टाइप का मटेरियल बनता है। पी का मतलब है कि इसमें जो मेजोरिटी कैरियर होगा, बहुसंख्यक वाहक जिसको बोलते हैं, वो बहुसंख्यक वाहक इसका धन आवेशी होगा, यानी पॉजिटिव आवेश वाला होगा। इसी तरह से एन टाइप में जो बहुसंख्यक वाहक होगा वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा, यानी ऋणात्मक आवेश वाला होगा। ठीक बात है। कंप्लीटली पेपर में सवाल आता है, इलेक्ट्रिकली एक पी टाइप और एन टाइप क्या होते हैं। पूर्ण रूप से वैद्युतिक रूप से जब पूछा जाए तो ये दोनों ही हमेशा उदासीन होते हैं। क्यों उदासीन होते हैं, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है कि एक सेमीकंडक्टर में होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा लगभग बराबर होती है, लेकिन ये शुद्ध अर्धचालक के लिए होती है। अगर इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत मिली हुई है तो उसमें भी क्या है कि घनत्व लगभग बराबर ही आता है। इसलिए कंप्लीट रूप से देखा जाए तो पी और एन दोनों ही न्यूट्रल है, उदासीन है। वैसे पी टाइप का मतलब यह है, तो फिर पी टाइप का मतलब यह है कि यहाँ जो मेजोरिटी कैरियर है वो पॉजिटिव है, और एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, छोटा छोटा तो ये इनका ध्यान रखना है। अब पेपर में आ सकता है इनकी डोपिंग के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी डोपिंग कराओगे और कैसे कैसे डोपिंग कराओगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। इसे थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ, आइए हम इस पर एक नज़र डाल देते हैं। पी टाइप के लिए डोपिंग में हम 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं, एन टाइप की डोपिंग के लिए हम 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं। पी टाइप में जो हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं उनमें से एक का नाम है इंडियम, दूसरे का नाम है गैलियम, इसी तरह से तीसरा है जिसका नाम है बोरोन। ठीक है, अगर पंच संयोजी पर आ जाएं तो यहाँ पर एक होता है एंटीमनी। अच्छा, एंटीमनी का लेड एसिड बैटरी में भी यूज होता है, क्या आप इस बारे में कोई उत्तर बता सकते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जिस बच्चे का सही कमेंट आंसर आएगा वो मैं कमेंट पिन कर दूंगा वीडियो में, आप उसे देखिए। लेड एसिड बैटरी में एंटीमनी का क्या उपयोग है, ये मेरा सवाल है, आपको एक कमेंट के रूप में इसे आंसर देना है।
एंटीमनी के अलावा हम इसमें आर्सेनिक मिला सकते हैं, बिस्मथ मिला सकते हैं और फास्फोरस मिला सकते हैं। ये पंचसेंजी इसमें रहती है। तो मोटा मोटी सेमीकंडक्टर के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, सिलिकॉन जर्मेनियम, इनका विन्यास, इनमें परमाणु क्रमांक, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, बैरियर पोटेंशियल, फॉरबिडन ऊर्जा गैप का मान, पी टाइप, एन टाइप, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि हम सेमीकंडक्टर का उपयोग क्या करते हैं। जनरली सेमीकंडक्टर जो है वो एक डायोड निर्माण के लिए हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। सामान्य जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे पीएन डायोड बोलते हैं। इसलिए इसमें एक पीएन जंक्शन होता है, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दो सिरे होते हैं यानी दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड इनका नाम है। एक दिशीय युक्ति है डायोड, ध्यान रखना, धारा को एक ही दिशा में कंट्रोल करती है और वो भी एनोड से कैथोड की ओर जाने पर। दो सिरे एनोड कैथोड, एक दिशीय युक्ति, एक पीएन जंक्शन होता है, अगर और आगे ध्यान में रखें तो बाईपोलर है, द्विध्रुवीयता वाली है, क्योंकि पी और एन दोनों है ना, पॉजिटिव यानी होल्स भी है और नेगेटिव यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, तो बाईपोलर होती है, याद रखना। जनरली हम इसे एक रेक्टिफायर के रूप में काम में लेते हैं, पीएन डायोड की बात कर रहा हूं मैं, और उस दौरान इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। यह सिंपल एक डायोड के बारे में आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जंक्शन क्या होता है। तो डायोड में जो जंक्शन होता है ना, उसी को हम अक्षपथ भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अक्षपथ क्या है? जंक्शन के आसपास निर्मित वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड समझते हो, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र, जहां एक तरह से होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों स्थिर हो जाते हैं, गति नहीं करते हैं, और इसी का नाम अक्षय रेजिन रखा गया है। यहाँ सभी आयन स्थिर होते हैं। आपसे अक्षपथ की चौड़ाई पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। अक्षपथ की चौड़ाई जनरली 1 माइक्रोमीटर के आसपास मानी जाती है, यानी 10^-6 मीटर या 10^-4 सेंटीमीटर, 10^-4 सेंटीमीटर, ये अक्षपथ की आपसे चौड़ाई जो है वो पूछी जा सकती है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके बारे में तो और कुछ नहीं है, एक सिंपल सा है। हाँ, इसकी फॉरवर्ड रिवर्स कैसे होती है वो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो डायोड का जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें P से P मिला हुआ होता है और N से N मिला होता है, जबकि रिवर्स बायस में जस्ट अपोजिट होता है, P से N और N से P मिला होता है, तो उसे रिवर्स बायस हम बोलते हैं डायोड के बारे में, ठीक है। और डायोड का क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, एवलांचे और जिनर ब्रेकडाउन होते हैं दो तरह के, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है वो तब होता है जब वोल्टेज पूर्व निश्चित नहीं हो, जबकि जिनर ब्रेकडाउन में वोल्टेज पहले से निर्धारित होती है, चाहे कितनी भी हो। और जनरली जिनर की ये ब्रेकडाउन वोल्टेज लोड प्रतिरोध के बराबर रखी जाती है। हालांकि हम उपयोग करते हुए इनको अनेक तरह से डायोड और भी बना सकते हैं, कई सारे डायोड इसमें और बन सकते हैं। तो मोटा मोटी यही था खैर सेमीकंडक्टर के बारे में और डायोड के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। रेक्टिफायर एक अलग चीज़ हो जाती है, इसे याद रखना, आप इसे रेक्टिफायर के साथ नहीं जोड़ सकते। रेक्टिफायर के लिए तो फिर आपको वो पूरी टेबल ही याद करनी पड़ेगी, है ना, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज। तो उसमें तो आप, मुझे लगता है, टेबल याद रख लेंगे तो पर्याप्त है। अभी फिलहाल के लिए अपना आज डायोड का ही टारगेट था, तो इसमें डायोड के बारे में और आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से डायोड है। डायोड में एक LED का भी आता है, इसे याद रखिएगा, विशेष प्रकार का डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में जुड़े होने पर लाइट पैदा करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड नामक यौगिक से बनती है, इसके लिए कोई सेमीकंडक्टर अलग से नहीं होता है। और इसी तरह से एक और विशेष प्रकार का डायोड है जिसे फोटो डायोड बोलते हैं, इनके बारे में मैंने आपको अलग से करवाया हुआ है। ज़्यादा विशेष तौर से इस बार आप पढ़ना चाहें तो शॉर्ट की डायोड पढ़ें, जिनर डायोड के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनके लिए मैंने आपको स्पेशल क्लासेज दी हुई है, तो आप उसे पढ़ें, शायद आप उसे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। खैर मोटा मोटी आपको इतना ही ध्यान रखना था, सेमीकंडक्टर होता क्या है, ताप गुणांक कैसा होता है, चालकता पर कैसा फर्क पड़ता है, और
सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है उन दोनों का आपस में अंतर मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। सिलिकॉन जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल और फॉरबिडन ऊर्जा गैप मैंने आपको बताया, इन दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं और डोपिंग क्या होती है, पी टाइप एन टाइप पदार्थ क्या है, इनके लिए कितने वाली डोपिंग करवाते हैं, 3 संयोजकता 5 संयोजकता, वो याद रखनी है। और पीएन डायोड के बारे में सिंपल चीज़ें कि डायोड क्या करता है और कैसे है, ये एक सेमीकंडक्टर का बेसिक सा होता है। अगर आप इनमें से भी मैं बताऊँ याद रख लें तो ये चीज़ें भी आप बहुत अच्छे से वहाँ रिप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लो आपसे एक्टिव पैसिव कंपोनेंट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इसका भी आ जाता है, कई बार आता है पेपर में, है ना, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन है इम्पोर्टेंट। तो एक्टिव वो है जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं और पैसिव वो है जो इलेक्ट्रिकल में काम में लेते हैं, लेकिन ये तो परिभाषा नहीं मिली। डेफिनेशन के तौर पर आप क्या बताएंगे, डेफिनेशन के तौर पर आपको ये कहना है कि ये ओम नियम का पालन नहीं करते हैं, जबकि ये ओम और केसीएल केवीएल को फॉलो करते हैं, ठीक है, इन पर लागू होता है और उस पर लागू नहीं होता है। फिर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे तो ध्यान रखना, एक्टिव में अपने ये SCR, UJT, डायोड ये सब आ जाएंगे, और पैसिव में ज़्यादा याद नहीं रखें तो RLC इतना सा याद रख लो। तो मुझे लगता है कि इस बेसिक वाले परिचय में से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा तो ज़रूर यहीं से ही चीज़ें पूछी जाएगी, मैं बता दूं आपको। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डीप चला गया फिर तो वो आपको एम्पलीफायर ऑसिलेटर वहाँ तक ले जाएगा और उसमें भी आगे वो बायसिंग और उस लेवल तक ले जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन पर ले जाएगा, जिस तरह से 2018 में एक शिफ्ट में आए थे 35 क्वेश्चन दे दिए थे और वो बड़े अलग ही लेवल के दिए थे। अगर बेसिक तक सीमित रखते हैं आपको तो यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ट्रांजिस्टर में से भी रहेगा, उसकी एक अलग से क्लास दूंगा, रेक्टिफायर में से भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर आपको अलग क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही था, लाइक शेयर ज़रूर करें।